पेड़ है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो जिंदगी। जिंदगी को बचाने के लिए पेड़ पौधों को बचाना जरूरी है, और अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल राजधानी भोपाल के बाग सिवनिया में सड़क निर्माण के दौरान रास्ते में दो पेड़ आए और उन पेड़ों को कटवाने का आदेश दिया गया था। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और बहुत कोशिश हुई कि पेड़ न कटे। जब बात नहीं बनी तो अपने मामा यानी सीएम शिवराज सिंह से उन्होंने अपील की। इलाके के रहवासियों ने अपने मामा से भी सड़क के किनारे लगे पीपल और बरगद के पेड़ को नहीं काटने की अपील की, जिसके बाद सीएम शिवराज ने उनकी अपील को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए सड़क को डाइवर्ट कर दे लेकिन पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। वैसे आपने भी देखा होगा कि सीएम हर मौके पर पौधारोपण करते हैं, अब जो सीएम पेड़ पौधों के प्रति इतना जागरूक है वो भला कैसे उनकी अपील को न सुनता। वहीं सीएम के निर्देश के बाद रहवासियों ने अपने मामा यानी सीएम शिवराज का आभार जताया है। एनडीआरएफ जिसे देवदूत भी कहते हैं, चाहे कोई आपदा आए या फिर कोई हादसा हो, एनडीआरएफ हमेशा मुस्तैद रहती है। मौत के मुंह से जिंदगी को छीन लाना एनडीआरएफ का काम है, और इसके लिए एनडीआरएफ वक्त वक्त पर मॉक ड्रिल भी करती रहती है। देवास के माता टेकरी मंदिर स्थित रोपवे पर अगर कोई हादसा हो जाए तो कैसे लोगों की जान बचाई जाए, इसे लेकर टीम ने एक मॉक ड्रिल किया और लोगों की जान बचाई गई। टीम में 20 लोग मौजूद थे जो सैकड़ों फीट ऊंचाई पर पहुंचकर लोगों को रोपवे से निकालते हुए नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम हवा में लटकते हुए ये अभ्यास कर रही है। ये अभ्यास इसलिए ताकि जान बचाई जा सके, हादसे के वक्त मुस्तैदी दिखा सके। ये टीम वाराणसी के देवास पहुंची है। बता दें कि पिछले दिनों आंधी के कारण माता टेकरी पर लगे रोपवे की ट्रॉली के तार पुली से अलग हो गए थे, जिसके बाद मॉक ड्रिल करने का फैसला किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटना हो तो एनडीआरएफ लोगों की जान आसानी से बचा सके। मुंबई की मीरा रोड में गीता आकाश बिल्डिंग की जे विंग में फ्लैट नंबर 704 शाम 7 बजे पुलिस को पड़ोसियों ने फोन किया कि फ्लैट से बदबू आ रही है। पुलिस आती है, दरवाजा खुलवाया जाता है, उसके बाद अंदर जो नजारा दिखता है वो दिमाग हिला देने वाला था। एक महिला की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और शत विशत शव को घर के अंदर ही छोड़ दिया गया। 56 साल के मनोज सहनी और 36 साल की सरस्वती वैद्य लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। आरोप है कि मनोज ने ही सरस्वती का कत्ल किया और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंदेशा है कि ऐसा मनोज ने शव को ठिकाने लगाने की मंशा से किया। सरस्वती की हत्या के बाद पेड़ काटने वाला कटर खरीदा, इसी कटर से उसने शव के टुकड़े किए। लेकिन एक और गंभीर आरोप मनोज पर लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक शव के टुकड़े करने के बाद मनोज ने कुछ हिस्सों को कुकर में उबाला भी। पुलिस ने फ्लैट पर पहुंचकर पॉलिथीन में भरे शव के टुकड़ों को कब्जे में लिया। सरस्वती के शरीर के कुछ टुकड़े गायब हैं। आशंका है कि मनोज ने टुकड़ों को कहीं फेंक दिया है। पड़ोसियों का ये भी कहना है कि मनोज और सरस्वती किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। माना जा रहा है कि सरस्वती की हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई थी और हत्या के बाद मनोज शव के साथ ही घर पर रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज साहनी पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। धधक धधक कर जलती ट्रक की तस्वीरें उज्जैन से आई हैं, जहां शहर के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत उज्जैन इंदौर हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक चलते ट्रक में आग लग गई। आसपास आग बुझाने के साधन नहीं होने से आग बेकाबू हो गई और ट्रक देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। घटना ग्राम पंत पिपलाई में धौलपुर से उज्जैन की ओर आ रहे बालू से भरे ट्रक में आग लगने की है। सूचना मिलते ही थाना नानाखेड़ा पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। थाना पुलिस ने बताया कि ट्रक के पहिए में आग लगी थी। इस आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके बाद पूरा ट्रक आग से भभक उठा। ड्राइवर को शुरुआत में कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन जैसे उसे आग लगने की भनक लगी वो कूद कर फरार हो गया।
कुछ लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक की आग काफी फैल चुकी थी। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते ट्रक के पहिए ने आग पकड़ ली होगी। आग लगने के बाद इंदौर उज्जैन रोड पर जाम लग गया। सड़कों पर फर्राटा भरती कार और कार में सवार दो यार। सोचा नहीं था अगले पल क्या होने वाला है, और फिर देखते ही देखते जो हुआ, दोनों की जान हलक में आ गई। ये तस्वीरें धार की है, जहां चलती कार में आग लग गई। देखिए आग कितनी भयावह है। अंधेरे में आग से कूद कर जान तो बचा ली, लेकिन कार धू धू कर जल गई। पूरी घटना इतनी तेजी से घटी कि ना तो पुलिस को कॉल करने का मौका मिला और ना ही दमकल विभाग को। चंद मिनटों में कार आग में स्वाहा हो गई। बता दें कि घटना मुसावदा गांव की है। मौत का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब आ जाए। एक ऐसा ही मामला सीधी से आया है, जहां सड़क पर खड़ी बोलेरो को ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में दो बच्चों समेत कुछ 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीधे टिकरी मार्ग के डोल के पास हुआ। बोलेरो में कुल 7 लोग सवार थे। ये तस्वीरें देखिए, कितना दर्दनाक हादसा है। बोलेरो के परखच्चे उड़ गए हैं। बोलेरो के अंदर रखा सारा सामान सड़कों पर बिखरा पड़ा है, तो वहीं बोलेरो में बैठा इंसान अब नहीं रहा। 2 बच्चे हैं, लेकिन जिंदगी से मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रक पलट गया। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह होगा। एक तो चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से आग वाले हादसे। इन दिनों क्या छत्तीसगढ़ और क्या मध्य प्रदेश, यूं कहिए पूरे देश में ही हर जगह से गाड़ियों में आग लगने की घटना सामने आ रही है। अब एक और तस्वीर सामने आई है, जो कोरबा की है, जहां खड़ी गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ियों के चलते हुए बहुत बार आग लगते हुए आपने देखा होगा, लेकिन खड़ी गाड़ी, वो भी जब गाड़ी बंद हो, तो आग लग जाना सोचने वाली बात है। दरअसल ये गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी अचानक से गाड़ी में आग की लपटें उठने लगी, और फिर देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी में धधक धधक कर आग लग रही है। आग के गोले ऊपर आसमान में उठ रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देश भर में मशहूर है ग्वालियर के IITTM का कॉलेज। देश के कोने कोने से यहाँ छात्र पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, और अब इस मशहूर कॉलेज की छात्रा ने जो किया है, वो सवालों के घेरे में है। आखिर ऐसा क्या किया, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट हॉस्टल में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ पढ़ाई कर रही हरियाणा की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। महक यादव ग्वालियर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रही थी। वो BBA प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उसके साथ उसके रूम में 2 क्लासमेट्स और रहती थी। बीती रात वो कमरे में ही मौजूद थी। अचानक फोन पर बात करते करते महक कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वो गर्ल्स कॉमन रूम में पहुंच गई। यहां उसने अपने दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। काफी देर तक जब वो अपने कमरे में नहीं पहुंची, तब उसकी सहेलियां उसे ढूंढते हुए कॉमन रूम पहुंची, जहां वो फंदे से लटकी हुई मिली। हॉस्टल में चीख पुकार मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। नशे की लत इंसान को इंसान नहीं रहने देती। नशा किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को तहस नहस कर देता है। वो नशे के हाल में क्या कुछ कर रहा होता है, उसे खुद इसका अनुभव नहीं होता। इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये तस्वीर मनेन्द्रगढ़ की है, जहां नशे की हालत में एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक टावर पर चढ़कर घंटों हंगामा करता रहा। वो नशे में इतना धुत था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने किसी तरह से युवक को उतारने में कामयाबी हासिल की।
ये उफ वाली गर्मी है, ये जलाने वाली गर्मी है, क्योंकि तपती गर्मी का मौसम आया है और इस मौसम में सड़क से लोग गायब हैं, दुकानों से ग्राहक गायब हैं। ये सब कुछ हो रहा है जून की इस दोपहरी में। छत्तीसगढ़ के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, बारिश की बूंदों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आज से प्रदेश में हीट वेव चलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार, कांकेर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग और बेमेतरा जिलों के कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। ऐसे में आने वाले दो दिनों तक काम पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुजरात के बाद अब मंदसौर पहुंच गए हैं। आज से उनका दिव्य दरबार मंदसौर में सजेगा, जिसके लिए बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंदसौर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीतामऊ से खेजड़िया तक लगभग 15 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह हजारों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खेजड़िया में आयोजित 3 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए मंदसौर पहुंचे हैं। हनुमंत कथा का आयोजन मंत्री हरदीप सिंह डंग ने करवाया है। हनुमंत कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रख कर निकली और कलश यात्रा में मालवा मेवाड़ के प्रसिद्ध संत कृष्णानंद जी महाराज ने भी यहां पर शिरकत की। हनुमंत कथा के आयोजन में 8 जून को दिव्य दरबार का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। सट्टा एक ऐसा व्यापार जिसे लोगों ने कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का जरिया बना रखा है। कई बार सट्टे से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग कंगाल तक हो जाते हैं। अब रायपुर पुलिस ने सट्टोरियों पर शिकंजा कसा है। रायपुर में पुलिस ने इंटरस्टेट सट्टा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजों के पास से 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 2,80,000 रुपए कैश जब्त किया गया है। ये सट्टेबाज महाराष्ट्र, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ से सट्टे का संचालन करते थे। सट्टेबाज luckybook.com और जेम्स 777 ऐप से सट्टे का संचालन करते थे। पुलिस ने सट्टेबाजों के पास से ऑडियो मिक्सर मशीन भी जब्त की है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित वनवासी लीला का आयोजन हरदा में किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन का कल पहला दिन रहा और पहले दिन राम कथा के निषाद राज और केवट प्रसंग की सुंदर प्रस्तुति हुई। निषाद राज और केवट प्रसंग में भगवान राम वनवास के समय वन जाते हैं और निषाद राज से किए वचन को निभाकर उनसे मिलते हैं। 3 दिन तक वनवासी लीला में राम कथा साहित्य और लोक कथा के चरित्रों की प्रस्तुति दी जाएगी। 7 को जहां निषाद राज की प्रस्तुति हुई, तो वहीं 8 जून को भगतमती, शबरी और 9 जून को लक्ष्मण चरित्र की प्रस्तुति होगी, जिसके लिए विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं पहले दिन हजारों की संख्या में वनवासी लीला में पहुंचे, जहां लोगों ने निषाद राज की प्रस्तुति का आनंद लिया। छोटे छोटे विवाद पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, सनक इतनी कि जान तक पर आफत, ना कानून का भय और ना प्रशासन का खौफ। आजकल प्रदेश में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब नया मामला खंडवा से आया है, जहां एक युवक की मामूली विवाद पर पिटाई कर दी गई। अब पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक रेलवे स्टेशन रोड पर एक होटल में खाना खाने आया था और इस दौरान होटल संचालक और उसके साथी से विवाद हो गया। विवाद के बाद होटल संचालक और उसके साथी ने मिलकर उसके साथ